ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक व्यक्ति के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। जिस व्यक्ति के पैर शिवराज धो रहे हैं, ये वही दशमत रावत है जिनके साथ प्रवेश शुक्ला नाम के बीजेपी नेता ने बेहद घिनौनी हरकत की थी। आज शिवराज सिंह चौहान ने मूत्रकांड में उनको अपने घर बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी, उनके पैर धोए। यूं तो ये चुनावी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और इसे उसी स्टंट की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इस वीडियो के कई मायने हैं। हम कह रहे हैं कि इस वीडियो से सीख लेते हुए हर उस मंत्री को, हर उस विधायक को, हर उस जिम्मेदार व्यक्ति को जातिवाद के शिकार पीड़ित व्यक्ति से इसी तरह सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए जो उसको सुरक्षा देने के लिए जिम्मेदार है। हर मंत्री, हर अफसर, हर विधायक की जिम्मेदारी है या उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि वो जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। ऐसे लोगों को इस तरह के सार्वजनिक माफीनामे लिखने चाहिए, उन्हें बुलाकर उनके पैर धोने चाहिए, शिवराज सिंह चौहान से सीख लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि आप हमें माफ़ कर दो, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आपको जातिवाद और ब्राह्मणवाद से बचाएं, लेकिन हम बचा नहीं पाए, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपके पैर धोकर माफ़ी मांगते हैं और आगे आपको गारंटी देते हैं कि आपके साथ जातिवाद नहीं होगा, हम आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ये एक घटना सीख की तरह होनी चाहिए, एक नज़ीर की तरह होनी चाहिए कि जो लोग इसको जिम्मेदारी रखते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम पीड़ित लोगों के साथ न्याय करें, उनको सुरक्षा मुहैया कराएं और जातिवादी गुंडों के दिल में कानून का डर बिठाएं, उन लोगों को इस तरह से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए और मुमकिन हो तो जो अपराधी हैं, जो जातिवाद करने वाले लोग हैं, उनसे भी पीड़ित व्यक्ति के इसी तरह पैर धुलवाकर माफ़ी मंगवानी चाहिए और उसकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यही एक नज़ीर हो सकती है, यही कानून का खौफ हो सकता है जो जातिवाद करने वाले गुंडों के दिल में खौफ भर देगा और उनको जातिवाद करने से रोकेगा और दूसरे लोगों के लिए भी वो एक नज़ीर बनेगा कि आप जातिवाद नहीं कर सकते, आप जन्म के आधार पर अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा नहीं मान सकते, आप उनके साथ जानवरों जैसा सलूक नहीं कर सकते, आप परवेश शुक्ला जैसी घटिया हरकत नहीं कर सकते, आप सबसे ऊपर कानून है और कानून के राज में सब बराबर होते हैं, आपने जो अपराध किया है उसकी सजा मिलेगी, इसलिए ऐसे कार्यक्रम होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ ये सिर्फ चुनावी स्टंट ना हो कि हमको वोट चाहिए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ ईमानदारी से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बना रहे थे तो उस समय कह रहे थे कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है जहां हमारे सामने तमाम चुनौतियां आएंगी। हमने आज़ादी के बाद 75 साल का जश्न मनाया, अमृतकाल मनाया जा रहा है, भारतीय लोकतंत्र और संविधान की एक मुकम्मल यात्रा को हम इस यात्रा में जोड़ कर देखते हैं कि हमने 75 साल का सफ़र तय किया है। लेकिन इन बीते 75 साल में दलित, बहुजन, आदिवासी तबके के साथ किस तरह का अन्याय हुआ है और किस तरह की अन्यायपूर्ण बातें अभी भी हो रही हैं, किस तरह के अपराध उनके साथ हो रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र के लिए या हमारे देश के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि हम एक मुकम्मल राष्ट्र बनने में असफल हो रहे हैं, कि हमारे तमाम नागरिकों को आज भी इस तरह के जातिवाद और ब्राह्मणवाद का शिकार होना पड़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम अपराधियों के ऊपर कानून का डंडा चले। वैसे सीधी घटनाक्रम में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलवाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि शायद अब जो जातिवाद करेगा उसको कानून का डर होगा। वैसे जो बुलडोजर चला है उसके वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर भेजकर उनके गार्डन की खुदाई करवाई है और जो मलबा फालतू का था उसको हटवाया है, क्योंकि जो प्रवेश शुक्ला है आप वीडियो में देखेंगे कि उसका घर पूरा का पूरा वैसा ही खड़ा है। ये कहा गया कि जो अवैध निर्माण था, यानी घर के बाहर जो छप्पर की तरह चीज़ें थीं, जो टीन शेड बना हुआ था उसको उन्होंने गिराया और एक पेड़ को उखाड़ दिया, तो लोग कह रहे हैं कि ये दिखावे की कार्रवाई हुई है, इसमें घर पर तो कुछ कार्रवाई हुई ही नहीं। जिस तरह से मुसलमानों के घर ढाए गए, जिस तरह से चुन चुन कर मुस्लिम लोगों पर, मोहल्लों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई,
को जमींदोज कर दिया गया, वैसी कार्रवाई आप परवेश शुक्ला के केस में नहीं देखते हैं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान की नीयत पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये सिर्फ जो कार्रवाई है बुलडोजर की, ये सिर्फ दिखावे के लिए की गई कि ये देखिए हम तो कानून में सबको बराबर मानते हैं, चाहे आरोपी कोई भी हो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन असल मायनों में जिस तरह का मंजर दूसरे केसेस में देखने को मिला वो इसमें नहीं दिखाई दिया, और ना ही मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो उस तरह से सख्ती के साथ इस जातिवादी गुंडे के साथ पेश आ रही है। जो गिरफ्तारी का वीडियो आया था आप उसमें देखें कि किस तरह परवेश शुक्ला तैश में चल रहा है, अकड़ में चलता हुआ जा रहा है, और पुलिस उसको अरेस्ट करने के बाद वो वीडियो जारी करती है, वो सामने आता है। और अब एक वीडियो फिर से सामने आया है जिसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि परवेश शुक्ला के ऊपर पुलिस बेहद सख्त है और उसको पकड़ कर ले जाती हुई देख रही है। पहले ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखकर आपको हंसी आएगी कि किस तरह से मानो किसी फिल्म की, किसी OTT वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है और पुलिस वाले एक शॉट दे रहे हैं। ये वीडियो देखिए। गाड़ी खोल के रखो, पकड़ो आप भी, आप लोग भी पकड़ो। बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में। तो देखा आपने इस वीडियो को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि पुलिस वाले वाकई में उसके साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं, बल्कि एक कहें कि नाट्य रूपांतरण जैसा कुछ है, वो दिखा रहे हैं, लेके आते हैं पकड़ के, इधर से उधर से धक्का देने की कोशिश होती है, कोई चिल्लाने की कोशिश करता है, कोई मंद मंद मुस्कुरा भी देता है। इस तरह कैमरों के सामने ये एक नाट्य रूपांतरण किया गया और ये दिखाने की कोशिश हुई कि आरोपी के ऊपर पुलिस सख्त है, लेकिन इससे उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या एक जो आरोपी है इतनी घिनौनी हरकत का करने वाला, उसके ऊपर पुलिस क्या सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है? क्या जो बीजेपी के नेता मंत्री हैं, सरकार है, उसने निर्देश दे दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो दिखावे की होगी, चाहे पुलिस उसको हिरासत में रखे, उसको जेल भेजे या फिर उसके घर पर बुलडोजर चले। इन मामलों में सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कीजिए, कैमरे के सामने कुछ स्टंट कीजिए, लेकिन परवेश शुक्ला के ऊपर कोई उसको आँच नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये कहीं निर्देश तो नहीं दिए गए हैं? ये सवाल भी खड़ा होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि वो अपने राज्य में कानून का राज कायम करे, जातिवादियों पर सख्त कार्रवाई करे। अपने आप को OBC बताते हैं, OBC बैकग्राउंड के हैं, तो उनको चाहिए कि वो दलित बहुजन समाज की रक्षा करें, हिंदुत्व की आड़ में एक ऐसा समाज ना बनाएं जहां वंचित वर्गों के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। और जो बाकी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हों, नेता हों, किन किस शय पर इस तरह के गुंडों की कहें कि मनोबल बढ़ता है, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को भी मुआवजा दिया जाए। आप उसके घर के वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा किस तरह झोपड़ी जैसा घर है, उसको नया घर बनवा के दिया जाना चाहिए, उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। कई खबरों में बताया गया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको काउंसलिंग और इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए और उसकी सुरक्षा की गारंटी मध्य प्रदेश की सरकार को देनी चाहिए, और जो जातिवादी लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी असल मायनों में हम कहेंगे कि न्याय हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत में तमाम लोगों को जो जिम्मेदार हैं संवैधानिक तौर पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, अगर वो फेल होते हैं तो जातिवाद के पीड़ित हर व्यक्ति से इसी तरह सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी जानी चाहिए, उनके पैर धोने चाहिए, उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन हम उसके लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन होने चाहिए, इस तरह की माफ़ी मांगी जानी चाहिए? हो सकता है कि जो जातिवाद करने वाले लोग हैं उन्हें कोई शर्म आ जाए और जो जिम्मेदार अधिकारी मंत्री हैं वो अपने संवैधानिक दायित्व के प्रति सजग हो जाएं। इस पर आप अपनी राय दें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। आपसे यह भी अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें।
आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़बिग फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़बिग फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।